अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बिल्कुल रैंडम सा छोटा सा मिनी व्लॉग होगा, क्योंकि आज मैं घर से बाहर नहीं जा रही, घर में शिफ्टिंग हो रही थी, तो थकावट की वजह से इतना ज़्यादा व्लॉग बन भी नहीं सकेगा। खैर, अभी मुझे खाला ने कॉल किया कि मैंने चूरी बनाई है, जैसे कल आप सबको पता है चूरी रोज़ा था, तो उन्होंने चूरी बनाई हुई थी, तो उन्होंने कहा आओ सब मिल के चाय पियेंगे। तो खैर, अभी मैं वहीं जाने लगी थी और बस हालत को मेरी इग्नोर करें, अभी बस वहाँ जाते हैं और फिर देखते हैं कि चूरी किस तरह की बनी है। चले आए मेरे साथ। और एक ये मेरी है बाय गली की बिल्ली, इसको मैंने रखा हुआ है। क्या हुआ? जैसा कि आप सबको पता है कि कल चूरी रोजा था और खाला ने चूरी बनाई है बहुत मजे की, और ये अभी हम पियेंगे साथ चाय। ये मेरे बबलू के छोटे छोटे से हाथ। अब क्या खाओगे? मैं खाला घर बैठी हुई थी तो मेरी अम्मी ने कॉल की कि आओ हमारी दावत है, उधर जाना है। मुझे नहीं पता था इस बात का, तो खैर मैं आई तो बस क्विक रेडी हुई मैं, तो अभी मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। आई थिंक सो हम लोगों ने मनाल जाना है शायद, मुझे सही कन्फर्म नहीं पता, लेकिन अभी चल के देखते हैं कि हम लोगों ने कहाँ जाना है। और बस आप लोग मेरे साथ रहें, वीडियो एंड तक आप लोगों ने देखनी है, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। मेरे साथ एंड तक आपको कोई वीडियो देखनी है, देखते हैं आज हम क्या खाएंगे। वैसे आई थिंक सो हाइटी होगी शायद, मे भी, मुझे इतना खास कंफर्म आइडिया नहीं है। खैर मुझे तो पता ही अभी चला कि आज हमारी दावत है, तो आप मेरे साथ रहें एंड तक वीडियो देखें। चले तो जी, कैसे हैं आप सब। मैं जा रही थी एक और दावत पर और मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। खैर मैं खुद इसलिए नहीं आ सकी थी क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी नहीं थी, इतनी को ख़ास मैं तैयार हुई भी नहीं थी, बस थकी हुई थी और बस प्लान अचानक से बना कि आज दावत है तो चलते हैं, फिर मैं चली गई। और बस ये मैं जा रही थी, मैंने सोचा क्यों ना रास्तों की आप लोगों को दिखाऊँ। और बस ये हम जा रहे थे रेस्टोरेंट की तरफ और हमने हाइटी की थी, मतलब इनकी हाइटी बहुत अच्छी थी, लामोंटाना वालों की, मुझे बहुत पसंद आई। और ये भी बस मैं खाना डालने ही जा रही थी तो देखा मेरी बहन पहले ही प्लेटें भर रही थी, मैंने सोचा क्यों ना पहले छोटा सा मिनी व्लॉग बनाते हैं और फिर मैं खाना प्लेट्स में डाल लूँगी। फिर खैर ये मेरी प्लेट नहीं थी लेकिन ये मेरी प्लेट थी और इतना ख़ास मैंने खाना खाया नहीं था। लोग हमेशा कहते हैं हम ना तो इतना खाना खाती है, हम ना तो इतना खाना खाती है, और भाई मैं इतना खाना खाती नहीं हूँ जितना मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना होता है इस वजह से। और जो लोग स्नैपचैट में हैं वो भी मुझे कहते हैं हम ना तुम इतना खाती हो, भाई इतना नहीं खाती मैं, थोड़ा ही खाती हूँ, एक नॉर्मल इंसान जितना खाता है ना मैं भी उतना ही खाना खाती हूँ। और ये जी आप सबको तो फेवरेट सेक्शन ही होगा, लेकिन मेरा तो बिल्कुल फेवरेट सेक्शन नहीं है क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस हम खाना शाना खा के फ्री हो गए थे, थोड़ी गपशप कर रहे थे, मेरी तबीयत इतनी वो ख़ास ठीक नहीं थी। और आज का व्लॉग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिल्कुल ही थोड़ा सा बनेगा, बिल्कुल ही, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है शिफ्टिंग में। आप लोगों को पता है कि इंसान थक टूट जाता है, तो खैर यही हालात मेरे भी चल रहे हैं। बस आजकल दो चार दावतें और रह गई, उसके बाद फिर हमें कौन पूछेगा। खैर और बस लास्ट खाने चल रहे हैं फैमिली के साथ, फिर थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, इतने भी दूर नहीं हो जाएंगे जितना मैंने रोना पिटना डाला हुआ। खैर लेकिन वो होता है कि बंदा जो डेली मिलता है उस तरह से डेली मिल नहीं सकता। बस ये एंड हो गया था और ये बस हम लोग निकलने वाले हैं। मेरी इतनी को ख़ास तबीयत सेट नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आगे का व्लॉग बना सकूँगी। और बस आज के लिए इतना ही था, घर चल के मिलते हैं फिर आपसे। मैं घर वापस आ गई हूँ और तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी वहाँ पे, पता नहीं क्यों शायद अजीब सी तबीयत हो रही थी, और इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी। आज के लिए इतना ही गुजारा कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।